एसोसिएशन खाते पत्रकारत्वमां जोड़ाता विद्यार्थियों माटे कई रीते मीडिया ने मास कम्युनिकेशन आजना विश्व ने बदलवामां मददरूप थई शके तेने लईने एक इवेंटनुं आयोजन करायुं जेमां पत्रकारत्व तेमज रेडियो क्षेत्रे आगवी ओळख धरावता लोको मुख्य मेहमान तरीके उपस्थित रह्या हता। जेओ विद्यार्थियोने आजना समाजमां पत्रकारत्वनुं महत्व शुं छे ते समजाव्युं हतुं। साथे ज पत्रकारत्वमां पोतानुं भविष्य बनावानुं विचारता विद्यार्थियोने पत्रकारत्वना पायाना मूल्यनुं ज्ञान आप्युं हतुं अने पोताना वर्षोना अनुभवमां आवेला उतार चढ़ाव अने पोताना अनुभवो विद्यार्थियोने कह्या हता। मीडिया और मास कम्युनिकेशन और सोसाइटी का हमेशा से ये एक बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है, जहाँ ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है और विजिवी मीडिया भी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो जब हम देखें 1980s के दौर में तो तब आते थे हम लोग, महाभारत, उस टाइप के सीरियल्स होते थे और उस टाइप सुरभि भी आता था, तो उस टाइप के कॉन्वर्सेशन भी उसके अराउंड होती थी। आई कट टू 90s जब स्टार और स्टार परिवार आ गया तो हम सब हैप्पी दिवाली बोलने लगे उसके साथ। एंड कट टू नाउ हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग विथ द सोशल मीडिया ऑल्सो। तो ये इम्पैक्ट हमेशा रहा है इन शेपिंग द सोसाइटी, इन शेपिंग द ट्रेंड्स, हम लोगों को एक्सेप्टेंस काफ़ी सारे नए टॉपिक्स के टूवर्ड्स लाने के लिए, एक नई बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए आई थिंक मीडिया का बहुत अहम रोल रहा है हर तरीके से, चाहे वो फिल्म्स हो जाए, चाहे वो रेडियो में हो जाए, चाहे वो गानों से हो जाए, बट ये गिव एंड टेक हमेशा शुरू रहा है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक होगी वहीं पे जाएंगे, राइट? तो सोशल मीडिया अब वो जगह बन गई है जहाँ हम सब हैं, एज की बात नहीं करती। आई थिंक 60 ईयर वाले भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और 15-16 ईयर वाले तो ऑब्वियसली यूज़ कर रहे हैं। सो उनका वहाँ आना, वो बात करना, या इनफैक्ट किसी भी कम्युनिकेटर या किसी भी इन्फ्लुएंसर का उस प्लेटफॉर्म पे आके बात करना जाहिर ही है, बिकॉज दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पब्लिक इज़। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहूँगी कि अब मैं ये नहीं समझती कि रेडियो का सोशल मीडिया से कोई कंपटीशन है, क्योंकि जो रेडियो में भी काम कर रहा है वो भी सोशल मीडिया पे है, बात बात बोलने की ही है। तो अगर बात यहाँ पे से बोली जा रही है या वहाँ पे से, इन मोस्ट केसेस ये देखा गया है कि अगर एक अच्छा कम्युनिकेटर रेडियो पे है और जब वो सोशल मीडिया पे आए हैं, उन्होंने अपनी बात बताई है, तो उनको वहाँ पे भी उतनी ऑडियंस, उतनी एक्सेप्टेंस मिली है। इनफैक्ट वहाँ से लोग वापस रेडियो पे भी आए हैं उनके पास। सो ये लेन देन चलता रहता है एंड रेडियो पे भी बहुत अच्छे से इसका असर देखा गया है, लोग उस तक आए भी हैं। सो इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। जर्नलिज्म में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक ही ये कहना है कि आप अपने 2 मिनट फेम के पीछे मत भागिए। बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारा क्या कह सकते हैं हार्डवर्क चाहिए होता है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बनने के लिए। मीडियम कोई भी हो चाहे, अगर आप RJ बन रहे हो, अगर आप एक रिपोर्टर बन रहे हो, अगर आप एक न्यूज़ रीडर बन रहे हो, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, हमेशा अपने कंटेंट को फिल्टर्स के थ्रू रखिए कि क्या ये सही है, क्या ये ज़रूरी है और क्या मेरे इस कहने से कुछ किसी का सेंटिमेंट या कुछ हर्ट हो रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत आसान है आज के ज़माने में फेमस हो जाना, बहुत तुरंत फेमस हो जाते हैं लोग, लेकिन अगर हमको लंबी रेस में रहना है, अगर हमको एक अपना नाम बनाना है जर्नलिज्म में, तो हम लोगों को कॉन्स्टेंटली वो मेहनत करते रहने की धगस होनी चाहिए और वो ऑन रखनी चाहिए। सो आज अमारो लिंक्डइन लोकल अहमदाबाद AMA खाते अमे लोग होस्टिंग करेलू है, स्पेशली मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन्स और जर्नलिज्म सुपर आखा टॉपिक है। तो अमारा जे अत्यारे चार स्पीकर्स है, एमना इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ए लोग जितला पण ऑडियंस अत्यारे आया है, ए लोग एमना करियर ग्रोथ इंडस्ट्री में शू चाली रह्यु छे, केटली केटलो ग्रोथिंग छे, शू ऑपोर्च्युनिटी छे, एमना बेकग्राउंड विशे ने घणी बधी इन्फॉर्मेशन
સબમિશન્સ અમે લોકો અહીંયા ડિસ્કશન કરવા આવ્યા છે. અને સ્પેશિયલી લિંક્ડઇન લોકલ અમદાવાદ એવું કમ્યુનિટી છે જે દરેકને એક ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરેક્શન્સ કરવા મળે છે. એન્ટરપ્રિનર્સ હોય, બિઝનેસ ઓનર્સ હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હોય કે પછી એમની બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ લોકોને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે. સ્ટુડન્ટ્સને એમના કરિયર રિલેટેડ ગાઈડન્સ મળે છે. તો એવરીથિંગ એક કોમ્યુનિટીમાં અમે લોકો લાવી રહ્યા છીએ જે એવરી ટાઈમ અમે લોકો હોસ્ટિંગ કરતા રહીએ છીએ અલગ અલગ ટોપિક પર. સો લિંક્ડઇન લોકલ અમદાવાદમાં જેટલા પણ લોકો અત્યારે જોઈ રહ્યા છે એમને અમારું પેજ ફોલો કરી શકો છો. લિંક્ડઇન લોકલ અમદાવાદ દરેક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મમાં છે અને ફોલો કરીને તમે નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ ક્યારે છે એની તમે ઇન્ફોર્મેશન લઈને અમારી જોડે સંપર્ક કરી શકો છો. ગુજરાત ગોસ્વામી સમાજ ખોખરા અમદાવાદ સાણંદ શહેર દશનામ ગોસ્વામી સમાજના સંયુક્ત ઉપક્રમે